हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिल्मोरा का ट्यूटोरियल। दोस्तों, जब आप नया नया चैनल शुरू करते हैं तो पता नहीं रहता है हमें कि कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है वीडियो एडिटिंग के लिए, कौन सा बुरा है, कौन सा इजी है, कौन सा हार्ड है। तो आज मैं आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ वो बहुत ही इजी इंटरफेस का है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो हार्ड है। जो एकदम से नए यूट्यूबर हैं वो भी इसको यूज़ करके अपने वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इम्पोर्ट है और यहाँ से रिकॉर्ड है। ये जो स्क्रीन है, यहाँ पर जो वीडियो आप एडिटिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर मीडिया, म्यूज़िक, टेक्स्ट, ट्रांजिक्शन, फिल्टर, ओवरले, एलिमेंट, स्पीड एंड एक्सप्लोर, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम एक वीडियो को इम्पोर्ट कर लेते हैं जिसको हम एडिट करना चाह रहे हैं। ये बैल एंट्रो है। अब मुझे दो वीडियो को मिक्स करना है। तो सबसे पहले ये वाला जो है इंट्रो वाला वीडियो, ये फर्स्ट में आना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ। और इसके बाद ये वाला मैं इसके साथ जॉइंट करना चाह रहा हूँ, तो इस वीडियो को हम यहाँ डाल देते हैं। अब जैसे ही मैं इस फाइल को एक्सपोर्ट करूँगा, ये दोनों जॉइंट होके आ जाएंगे। अब चलिए, अब उसके बीच में अगर हमें कुछ और करना है तो उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये म्यूज़िक है। यहाँ पर ये बहुत सारे फ्री म्यूज़िक है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पर नीचे ये म्यूज़िक वाले पोर्शन में आप डाल सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट और क्रेडिट में अगर आप इसका कोई टाइटल देना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आ जाएगा और यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट एडिट कर लीजिए, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, टाइटल और सब टाइटल देना चाहते हैं, और यहाँ से ओके कर लीजिए। उसके बाद ट्रांजेक्शन है, जैसे ये मैं फैट ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ, ये ट्रांजेक्शन मैंने दिया। तो जैसे ही आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड शुरू होगी, देखो ये एक स्लाइड है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड चल रही है, इन दोनों के बीच में ये ट्रांजेक्शन हमने दिया है। अगर ये वाला देना है ब्लाइंड वाला, तो देखिए ये किस तरह से चलेगा, वो भी ये इस तरह से चलेगा। देखिए ये फिलर्स हैं, इसमें आप अलग अलग, आपका वीडियो कैसा होना चाहिए, ऐसा ब्लर हो जाएगा, ये इस तरह से, ये ऐसा हो जाएगा, ये मिल्ड हो जाएगा, ये एक्सट्रीम वाला हो जाएगा। आप जो चाहे वो इसमें से कर सकते हैं। ओवरले में आप पूरी की पूरी स्लाइड कैसी बनाना चाहते हैं, आप कुछ उसके अंदर डालना चाहते हैं इस तरह का, ये सारे इफ़ेक्ट हैं, ये पूरे के वीडियो में चले जाएंगे। एलिमेंट में अगर आप कुछ डालना चाहते हैं, ये इस तरह का अलग अलग इसमें दे रखे हैं, आप चाहें तो ये प्ले करके देख सकते हैं, इस तरह का अगर आप कुछ डालना चाहें, ठीक है। और स्पीड स्क्रीन, मतलब आप चाहते हैं कि दो वीडियो एक साथ चलें, तो आप इस तरह से इसमें डाल सकते हैं, एक वीडियो इधर चलेगा, एक वीडियो उधर चलेगा। ये देखिए, स्पीड स्क्रीन को आप प्लस कर दीजिए। अब ये जो फर्स्ट में है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो वीडियो है वो यहाँ फर्स्ट में चले, तो ये यहाँ चलेगा। और दूसरा वाला वीडियो मैं चाहता हूँ, अगर मैं दोनों वीडियो साथ साथ चलाना चाहता हूँ, तो ये इस तरह से चलेंगे, ठीक है। मैं इसको वापस अनडू कर देता हूँ। अब मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये तो हो गए सारे यहाँ के फंक्शन। अब जब आप इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक टूल में आपको बताता हूँ, एडिट। अब एडिट में देखिए, ये जो है वो वीडियो का पोर्शन है, ये है ऑडियो का पोर्शन है। अब इस वीडियो का जो कॉन्ट्रास्ट है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेचुरेशन है, ब्राइटनेस है, टिंट है, 3D लल है, ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। अब ये जो ऑडियो है, ऑडियो का वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, फेड आउट, पीच, आवाज़ पतली और मोटी करनी, वो यहाँ से हो सकता है। और अगर थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड नॉइस भी हटा सकते हैं। ये वीक, तो मतलब थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस कम होगा, मीडियम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग में बहुत ज़्यादा एकदम साफ़ हो जाएगा, लेकिन आपकी जो आवाज़ है वो उसमें दबने लगेगी। तो आप वीक पे करके ये कर सकते हैं, ये बहुत ही खास टूल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रॉप एंड जूम, ये यहाँ से आप अपना वीडियो क्रॉप कर सकते हैं। अभी हाल में ये ऐसा दिखता है, अगर मैं ब्लैक वाला हटाना चाहूँ तो ये मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, ये ब्लैक वाला। और अगर आप पैन एंड जूम करना चाहते हैं, तो आप जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये इतना पोर्शन जूम हो, ये मेरा नाम जूम हो जाए, मैं ये चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने नाम को ये सिलेक्ट कर दूँ, और ये जो पीछे वाला है उसको भी मैं इतना ही कर दूँ, इसके बराबर कर दूंगा, ठीक है। अब ये मैं ओके कर रहा हूँ, तो अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा,
और उसके बाद वापस नॉर्मल स्क्रीन चैनल चालू हो को जाएगी। सब्सक्राइब करने के लिए इस अब दूसरा है स्पिट, मतलब आप अगर इस वीडियो क्लिप को एक टुकड़े करना चाहते हो, सपोज़ मैं इसको यहाँ से दो भागों में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं स्पिट कर दूँगा, तो ये डिवाइड हो गई यहाँ से। ओके, और म्यूट, यहाँ से ये आवाज़ बंद हो जाएगी। ऑडियो डिटेच का है, ऑडियो अलग से आ जाएगा, ऑनो एनहेंच है, वो आपस में मिक्स हो जाएगा। अब ये पावर टूल, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पावर टूल में क्या होता है कि जैसे कोई किसी चीज़ों को आप इसमें हाइड करना चाहते हो, सपोज़ देखिए यहाँ पे ये मेरा नाम आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये हाइड हो जाए, तो यहाँ मोज़ेक में जाके आप इसको अप्लाई मोज़ेक और ऐड करें। ऐड करने के बाद ये देखो यहाँ से ये ब्लर हो जाएगा, इतना पोर्शन ये हो गया और ये मैंने ओके कर दिया। तो अब ये देखिए, अब जब भी मेरा नाम आएगा तो ये पूरी क्लिप में ब्लर रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के, देखिए वापस दिखा देता हूँ, ये बीच वाला जो पोर्शन है वो हमने पूरा ब्लर कर दिया, ये अब दिखेगा नहीं। तो ये बहुत काम का टूल है, बहुत ज़्यादा काम आता रहता है हमारे। और फ्रीज फ्रेम, अगर आप चाहते हैं फ्रीज फ्रेम करना तो ये देखिए ये फ्रीज फ्रेम हो गई, वहाँ से ये हिलेगा नहीं, वहीं का वहीं रहेगा, जिस फ्रेम को आप फ्रीज कर रहे हैं वो वहीं की वहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद हमें ये फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी होती है। एक्सपोर्ट करने में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये मोबाइल के लिए फॉर्मेट है, आईफोन, आईपॉड, एप्पल, यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यूट्यूब के लिए है, यहाँ से आप साइन इन करके डायरेक्ट यहाँ से कन्वर्ट करके डायरेक्ट यहाँ से अपलोड हो जाएगा। ये फेसबुक के लिए है, तो हमें तो सीधा सा यहाँ पर करना है और MP4 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हम फाइल का नेम लिख देंगे, इंट्रो विथ बेल, ये मैं नाम दे रहा हूँ। और अब इसकी मैं जो रिजोल्यूशन है वो मैं सेट कर सकता हूँ, अभी 1440 का है और ये 12.4 MB का है। मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको कम भी कर सकता हूँ, 1280x720 का मैंने कर दिया। यहाँ से मैं इसकी क्वालिटी बेस्ट, बेटर, गुड ये कर सकता हूँ, तो जो हम रिजोल्यूशन चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ से इसको बेटर पे ही रहने देते हैं, 1200x720 पे, ताकि थोड़ा सा MB ये कम हो जाए। और इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो एक्सपोर्ट करते ही ये फाइल कन्वर्ट होके हमारे फिल्मोरा के जो फोल्डर है फिल्मोरा का, उसके अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से नए नए जो यूट्यूबर हैं उसके लिए ये बेस्ट है फिल्मोरा। अगर आप फिल्मोरा को कैसे रजिस्टर करते हैं, अगर बिना रजिस्टर किए आप फिल्मोरा चलाएंगे तो वाटरमार्क आएगा फिल्मोरा का, तो उसके लिए भी मैं आने वाले समय में इन वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मैंने भी बहुत ट्राई किया था, तब जाके मुझे पता लगा, तो वो बिल्कुल फैक्ट ट्रिक है, आप उसको करके आप भी फिल्मोरा को फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।